पूरे देश में 2019 लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। ये एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। अलग अलग तारीखों पर अलग अलग राज्यों में इन दिनों वोटिंग्स हो रही हैं। वहीं इन दिनों सियासी मैदान बॉलीवुड स्टार्स भी आ चुके हैं। अब तक कई स्टार्स इसमें आ चुके हैं। बीते दिनों ही 2.5 किलो का हाथ वाले सनी देओल ने बीजेपी में एंट्री मारी है। बीजेपी की टिकट पर वे गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सनी ने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। हाल ही में सनी देओल के साथ पीएम मोदी का एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल सनी देओल ने अभी कुछ वक्त पहले ही पीएम से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कई बातें हुई और साथ ही काफ़ी चर्चा हुई। वहीं पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि सनी देओल के बारे में जिस बात ने मुझे प्रभावित किया वह है उनकी विनम्रता और एक बेहतर भारत को लेकर उनका पैशन। उनसे मिलकर बेहद खुशी हुई। हम सबको गुरदासपुर से उनकी जीत की उम्मीद है। इतना ही नहीं, पीएम ने सनी की इस फिल्म का डायलॉग भी लिख दिया। उन्होंने लिखा कि हम दोनों ही मानते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। गदर फिल्म का ये डायलॉग शेयर करके पीएम ने अपनी खुशी जाहिर की है। बता दें कि बीजेपी ने सनी देओल को पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सनी देओल की जीत की कामना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज उनसे मिलकर खुशी हुई है। हम जानते हैं कि गुरदासपुर सीट पर विजय हासिल करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि सनी देओल कल सुबह गुरदासपुर से नामांकन भरेंगे। कल सुबह 11 बजे करीब वे नामांकन भरेंगे। वहीं आज वे गोल्डन टेंपल के दर्शन करने पहुंचेंगे। फिलहाल जो भी सनी की बीजेपी में एंट्री के बाद ज़्यादातर लोग खुशी नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि वे गुरदासपुर सीट से जीत मिलती है या हार। वैसे आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही रोज़ नई वीडियोज़ देखने के लिए।